हेलो गाइज, माय नेम इज़ भूषण। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज आपको नेक्सॉन के बारे में मेरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने अब तक मेरी कार 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं अब तक। तो 10,000 किलोमीटर का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको 2022 में कार लेनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में आपको आज फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमें क्यों ये कार खरीदनी चाहिए। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। भैया यही कार है जो इंडिया में इतनी सेल हो रही, इसका एक ही कारण है जो इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग। रेटिंग के मामले में इस कार को कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप वेन्यू ले लो या सेल्टोस ले लो या सोनेट ले लो या क्रेटा ले लो, कौन से भी आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, इसको तोड़ है ही नहीं सेफ्टी के बारे में। हाँ, लेकिन एक उसके ऊपर निगेटिव भी है, आपको बाकी कार्स में काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो फीचर्स फंक्शन इस कार में फीचर्स और फंक्शन खाली आपको टॉप मॉडल में ही ज़्यादा मिलेंगे। और सेकंड जो चीज़ है जो मुझे पर्सनली खुद पसंद आती है वो भाई कार का ग्राउंड क्लियरेंस। आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था सफारी और हैरियर से भी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन में आता है। आप देख सकते हो मैं उस वाले सामने वाले रोड से यहाँ आया हूँ। उबड़ खाबड़ वाला ही रास्ता था, बड़े बड़े स्टोन यहाँ पे थे, फिर भी अपनी गाड़ी सर्वाइव कर जाती है। ये इसका सेकंड प्लस पॉइंट। चलिए हम बीच में जाके बैठते हैं, अंदर जाके। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 1200 cc का इंजन आता है इसमें। टर्बो इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो इंजन की बात कर रहा था मैं, तो 1200 cc का इंजन आता है जो 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और टॉर्क 170 newton टॉर्क अपनी कार प्रोड्यूस करती है। तो 6 gear में अपनी कार आती है, हालांकि वेन्यू भी 6 gear में आती है और अपनी सोनेट भी 6 gear में ही आती है। अब ये वाला मॉडल है, ये काफ़ी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला पैक है नेक्सॉन में। XMS वाला मॉडल है, उसमें आपको सनरूफ में मिल जाती है। लेकिन फीचर्स के मामले में ये कार जो है वो वेन्यू से थोड़ी पीछे रह जाती है। वेन्यू मैं आपको दो ही कार रिकमेंड करूंगा अगर आपका 11 लाख का बजट है। अगर 12-13 है तो आप क्रेटा की तरफ भी जा सकते हो, सेल्टोस की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन जिन लोगों का 10-11 तक बजट रहता है वो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, 3-4 ही कार अवेलेबल है मार्केट में। फर्स्ट आ गई अपने नेक्सॉन, सेकंड वेन्यू, थर्ड सोनेट, फोर्थ आती है XUV300। भैया अगर आपको दौड़ने के लिए गाड़ी चाहिए कि आपको बहुत भगाना है गाड़ी, तो मैं आपको एक ही कार रिकमेंड करूँगा, वो है XUV300। भैया चीता है भागने में, काफ़ी ज़बरदस्त अपनी कार दौड़ती है। तो सेकंड आ जाते हैं, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप नेक्सॉन ले लो। अगर हाँ, आपको एक क्लियर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दे दूँ, अगर आपको मैनुअल कार चाहिए तो आप नेक्सॉन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक कार लेनी है तो आप जाइए वेन्यू की तरफ, क्योंकि जो नेक्सॉन का ऑटोमेटिक गियर है वो काफ़ी लैग देता है। लेकिन भैया जो अपनी वेन्यू आती है उसमें आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका जो उसका गियर शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है। तो यही कोई 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट, अगर आप अपने फैमिली के लिए कार ले रहे हो तो नेक्सॉन ही लो, क्योंकि 5-स्टार रेट आ जाती है। ये फीचर्स वगैरह तो सब खरे के खरे उतर जाती है अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नेक्सॉन के ऊपर जाइए। लेकिन अगर आपको फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वेन्यू, सोनेट इनके तरफ भी जा सकते हो। लेकिन अगर नेक्सॉन का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो XMS वाला मॉडल ले लो। अब इन XMS मेरे वाले इस वाले मॉडल पे तो स्क्रीन भी नहीं थी, लेकिन अब तो XMS वाले मॉडल पे स्क्रीन भी अवेलेबल हो चुकी है। तो अलॉयज वगैरह डाल लो, उसको ही टॉप मॉडल कर लो, उसकी भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रही है। अगर वो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको नेक्सॉन में। आपको डिक्की भी दिखा देता हूँ मैं नेक्सॉन की, काफ़ी स्पेसियस मिलती है आपको।
तो यही कुछ था अपने नेक्सॉन के बारे में। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको सोनेट और वेन्यू में नहीं मिलती है, भैया हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है अपनी नेक्सॉन में। आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, आपको मिलने वाला है हारमन का। और लिटरली बताऊंगा, मैंने अभी तक चेंज नहीं किए स्पीकर वगैरह, जो स्टॉक में थे वही रखे हैं, क्योंकि आवाज़ एकदम तगड़ा आता है और ज़बरदस्त आवाज आता है इस वाले हारमन के साउंड सिस्टम का। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मुझे पर्सनली एक निगेटिव नेक्सॉन में लगता है ये वाला जो पिलर है, जब अपन गाड़ी राइट में लेंगे तो दिक्कत होती है, काफ़ी बार वो दिक्कत होती है। ये पिलर काफ़ी मोटा और बड़ा है, तो इसकी वजह से राइट साइड वाली कार दिखती नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन अपन को पास कर रहा है। यही दो तीन दिक्कत है जो मुझे लगती है मेरे नेक्सॉन में। आप देख सकते हो मैंने 10,000 किलोमीटर कंप्लीट मेरी कार चला चुका हूँ, मैं 11,000 होने वाली अब। तो यही थे मेरे कुछ ओपिनियन कि आपको नेक्सॉन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लुक्स के मामले में मुझे एक कार आगे से पसंद है, लेकिन पीछे से इतनी अच्छी नहीं देखती लगती है। लेकिन साइज़ के बारे में बात करें तो सोनेट और वेन्यू से थोड़ी मुझे बड़ी लगती है अपनी नेक्सॉन। यही कुछ मेरे दो तीन ओपिनियन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो यार आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई यो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना।